नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी द्वारा 26 मार्च से रथ यात्रा आरंभ की गई है और 6 दिन तक प्रदेश के सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में होते हुए यह रथ यात्रा फरीदाबाद में समाप्त होगी। इस बीच हरियाणा के बड़े नेताओं ने एक साथ रहने का और एक ही बस में रहने का मौका मिलेगा। ऐसे में रथ यात्रा के बाद हरियाणा के उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। वहीं सूत्रों की माने तो हरियाणा में कांग्रेस के 5 लोकसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों के नाम निश्चित कर चुकी है, मगर शेष स्थानों पर संशय बना हुआ है। जिन 5 स्थानों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं वह है रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। सिरसा से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर, अंबाला से पूर्व मंत्री एवं राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा, गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव तथा भिवानी से श्रुति चौधरी तथा किरण चौधरी, जो कि माँ बेटी हैं। कांग्रेस द्वारा हालांकि 2 अन्य सीटों पर हिसार व कुरुक्षेत्र में नामों का अंतिम रूप दे दिया गया है। हिसार से कुलदीप बिश्नोई तथा कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल का नाम पैनल में सबसे पहले स्थान पर है, मगर इन दोनों विशेषकर कुलदीप बिश्नोई के बारे में बताया जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उधर कांग्रेस हाईकमान ने सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्वयं चुनाव लड़ने को कहा है, मगर वे स्वयं चुनाव लड़ने के स्थान पर अपने किसी समर्थन को चुनाव लड़ा सकते हैं। वे कहते हैं कि मेरी जगह कोई समर्थक चुनाव लड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद में कांग्रेस के अनेक नेता जैसे अवतार सिंह भड़ाना और को चुनाव लड़ाया जा सकता है, मगर कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके स्थान पर अपने किसी समर्थक को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं करनाल सीट से कांग्रेस के सभी अभी तक एक कठिन सीट मानी जा रही है। इस सीट पर कुलदीप शर्मा के साथ साथ सुमिता सिंह और वीरेंद्र मराठा का नाम भी लिया जा रहा है। अब देख रहे हैं पर्पल की विशेष रिपोर्ट।